जय माता दी। दोस्तों, मैं हूँ अंजनी। और कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों को जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज जो कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो जितिया की चौथी कथा है। इससे पहले मैंने जितिया की तीन कथाएँ आप लोगों को सुनाई हुई है। तो चलिए आज की कथा आरम्भ करते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर का काम करती थी, बर्तन साफ करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीता चला गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुदी निकला वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया साग सुखिया के लिए रख दी और डंटल जो था वो अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंटल लेकर बनाने के लिए गई। खुद्दी का चावल और साग की डंटल बनाकर वह खाना अपने बच्चे को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो दुखिया पूछती है कि कौन है? तब बूढ़ी बोली कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और पूछा कि अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस अपने घर ले जाती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंटल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग की डंटल लेकर आती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने लगती है और कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है और थोड़ी देर के बाद उठकर बूढ़ी बोलती है कि बेटा मुझे पैखाना लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करे या छर छर करे? दुखिया नींद में ही थी तो वह कहती है माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ से हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है कि आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है। सोते समय मुझे कोई सपना आया हो, वह ज़्यादा कुछ सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है, उसके बाल से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, यह क्या बात है? उसी रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की तरफ भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दिन शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना पड़ेगा। लेकिन जब वह घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत मान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू से क्या नापेगा? तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ क्यों कहते हो? तो बच्चा कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापेगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वो थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। सुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद से चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वो कई दिनों से घर पर काम करने भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। तब सुखिया दुखिया
तब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना सोना कहाँ से आया, तुम तराजू महंग नापने के लिए तुमने तराजू नापने जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था इसलिए वह सब कुछ बता देती है, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगता है कि दुखिया के पास सबसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया को मैं भी खुदी का चावल और साग की डंटल बनाऊँगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल पटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद ही अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंडल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बूढ़ी आई और दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी, वह तुरंत दरवाज़ा खोली, बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले गई। बूढ़ी बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुदी का चावल और डंडल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है कि घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीख शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है, भरभर करूँ या छरछर करूँ। इस पर सुखिया को याद नहीं आती कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है कि छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को आती है और उसको गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भरभर या छरछर। तो सुखिया कहती है कि मैं छरछर बोली। तो दुखिया कहती है कि यही तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारा घर जीत मन बाबा ने भेस बदल कर आया लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने ने खुदी का चावल और साग का डंटल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। यह सब कहते हुए तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया इसलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। तो दोस्तों, यह है जितिया व्रत की चौथी कथा। और अगर आप लोगों को मेरी यह कथा पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी यह कथा पहुँचाइएगा ताकि वो भी जितिया की व्रत कथा अगर पढ़ नहीं पाएँ तो सुन करके जितिया व्रत कथा का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल पर। जय माता दी।